डेट आपको बता दें, क्योंकि इससे पहले जानकारी यह निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ ही देर में मेडिकल की टीम पहुंच सकती है सीबीआई मुख्यालय, लेकिन अब यह तस्वीर साफ हो चुकी है क्योंकि कल कोर्ट में पेश किया जाना है, तो पेशी से पहले ही मनीष सिसोदिया का मेडिकल चेकअप होगा। मोनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। मोनिका, यानी कि कल पेशी से पहले मेडिकल चेकअप होगा, देर रात किसी तरीके का कोई मेडिकल टीम वहां पहुंचने वाली नहीं है, ये स्थिति साफ हो चुकी है अभी फिलहाल। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर साफ हो गई है। बार बार यही कहा जा रहा था कि आज कहीं ना कहीं मेडिकल हो सकता है, लेकिन अब ये खबर जो है सामने आ रही है कि कल अब मेडिकल होगा और उसके बाद ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन इस बीच जो है, एक बार फिर से मैं हलचल आपको दिखा देती हूँ, मनीष सिसोदिया के घर के बाहर मैं आपको हलचल दिखा देती हूँ। तमाम जो मीडियाकर्मी तो है ही यहाँ पर, इसके अलावा जो है पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर है। गाड़ियों का आना जाना लगातार जारी है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, और बार बार एक लाइन बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही है। बिल्कुल मोनिका, और हलचल लगातार ये बनी रहेगी, और कल माना जा रहा है कि ये हलचल और ज्यादा बढ़ सकती है, ये सियासी गर्मियां भी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन हम रुक सबसे पहले मोनिका, हमारी सहयोगी प्रियंका लगातार सीबीआई हेडक्वार्टर्स के बाहर बनी हुई है। प्रियंका, अब जो जानकारी आई है उसके मुताबिक कम से कम जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो आज नहीं कल सुबह होगा, लेकिन एक जानकारी सूत्रों के हवाले से ये भी आ रही है कि डॉक्टर्स की टीम खुद यहां पर आ सकती है, जबकि आम केसेस में हमने ये देखा है कि अस्पताल तक आते हैं आरोपी, लेकिन क्योंकि ये सेंसिटिव मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, क्या ये एक वजह हो सकती है कि डॉक्टर्स की टीम खुद यहां पर आ सकती है? जी बिल्कुल अंकिता, यही एक कारण हो सकता है, क्योंकि आपने आज देखा कि जिस तरीके से सीबीआई में पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया जा रहा था, तो पूरे रास्तों को ब्लॉक किया गया था, पूरे दिल्ली के रास्तों पर बैरिकेड किया गया था, और ये कोशिश की गई थी कि कार्यकर्ता जो हैं, सपोर्टर्स जो है, वो सीबीआई तक ना पहुंचे। आप राजघाट की बात कीजिए, राजघाट को चारों तरफ से ब्लॉक किया गया था, सीबीआई के आसपास के तमाम रूट्स पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, और ये कोशिश यही थी कि सपोर्टर्स जो है, कार्यकर्ता जो है, वो यहां ना पहुंचे, क्योंकि जाहिर तौर पर डिप्यूटी सीएम का मामला है, ये मामला उप मुख्यमंत्री है, जो कि इस प्रदेश के कई जिम्मेदारियों जिनके ऊपर है, 9 के तकरीबन विभाग उनके पास है, और ऐसे में लगातार ये कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक हीरोइक मूवमेंट देने की कोशिश भी की जा रही थी, जिस तरीके से आज हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने रोड शो तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पूरा शो निकाला, एक फेयरवेल की जिसकी बात कही जाती है राजघाट में, और वही कहीं ना कहीं डर है पुलिस को कि व्यवस्था को संभालना मुश्किल ना हो जाए, इसी वजह से ये अभी तक अनुमान लगाया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम भी कल यहीं सीबीआई के दफ्तर में ही आएगी। पहले जो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होना है वो चेकअप यही होगा, ताकि अनवांटेड भीड़ की जो बात की जा रही है, जो कार्यकर्ताओं की बात की जा रही है, ये इन्हें आ, आ,